हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सी टी ऑफ डेली की तरफ से एक अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस के लिए मैथ्स की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर एटी फोर क्लास वन के लिए वर्कशीट है रिलेटेड लर्निंग आउटकम क्या रहेगा कंस्ट्रक्ट एडिशन फैक्ट्स अप टू टेन बाई यूजिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी कि नंबर कॉम्बिनेशन तो दस तक के जो नंबर हैं उनमें एडिशन मतलब जोड़ जोड़ना उनमें कैसे हम उनके जो फैक्ट्स हैं उनको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जोड़ को वो हम सीखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे तो आज हम पढ़ते हैं गांधी जी के तीन बंदर प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा विशेष दिन है तो कल कौन सा विशेष दिन है कल गांधी जयंती है इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था तो इस दिन क्या हुआ था जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी उनका जन्म हुआ था गांधी जी के साथ उनके तीन बंदर भी प्रसिद्ध हैं तो गांधी जी के साथ साथ उनके तीन बंदर भी बहुत प्रसिद्ध हैं आइए कविता के माध्यम से जानें तो हम कविता पढ़ते हैं उससे हमें पता चलेगा गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में तो गांधी जी के तीन बंदर गांधी जी के हैं तीन बंदर देते हैं अच्छाई का मंत्र क्या करते हैं वो अच्छाई का मंत्र देते हैं पहला बंदर कहता यही बुरा होते कभी देखना नहीं पहला बंदर क्या कह रहा है कि कभी भी बुरा होते हुए नहीं देखना है दूसरे बंदर का है ये कहना बुरा कभी किसी से ना सुनना दूसरा बंदर क्या कर रहा है कि कानों पे हाथ लगे हुए तो इसलिए कभी भी बुरा किसी से नहीं सुनना तीसरे बंदर ने ये बात बताई बुरा कहने में नहीं कोई भलाई और तीसरा बंदर ने अपने मुंह पे हाथ रखा हो तो इसका मतलब क्या है कि बुरा कहने में कोई भी भलाई नहीं होती है कभी भी हमें बुरा नहीं कहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको भी ये बातें समझ में आई तो आपको भी आशा है समझ में आई होंगी ये सारी बातें गांधी जी के जन्मदिन पर रोहन और रानो ने उनके बंदरों की पेंटिंग बनाकर अपने मोहल्ले में बांटने की योजना बनाई तो क्या किया गांधी जी के जन्मदिन पर रोहन और रानो ने सोचा कि जो उनके बंदर हैं उनकी पेंटिंग बनाकर वो अपने मोहल्ले में बांटेंगे इसके लिए उन्होंने जरूरी चीजें इकट्ठा की तो इसके लिए क्या किया उन्होंने जरूरी चीजों को इकट्ठा किया पेंटिंग बनाने के लिए चलिए उन दोनों के पास में मिलाकर कितनी चीजें हैं यह पता लगाते हैं तो उन्होंने कितनी चीजें इकट्ठी की हैं हम ये पता लगाते हैं नीचे दी गई तालिका को अपनी कॉपी में बनाइए नीचे एक तालिका दी हुई है इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे इस तालिका को ठीक है रोहन और रानो के पास मिलाकर जितनी चीजें हैं उनके चित्र बनाइए गिनिए और संख्या लिखिए तो आपको क्या करना है रोहन और रानो के पास मिलाकर जितनी भी चीजें हैं उनके आपको चित्र बनाने हैं फिर उनको गिनना है और उनकी संख्या को लिखना है तो एक उदाहरण आपको दिया गया है तो आपको एक उदाहरण दिया गया है यहाँ ये वस्तुएं तो हो जाएंगी यहाँ पे लिखी है रोहन के पास यहाँ है रानो के पास और ये दोनों के पास मिलाकर तो देखो चार ड्राइंग शीट रोहन के पास और तीन ड्राइंग शीट रानो के पास है तो हमने दोनों के पास मिलाकर कितनी हो जाएगी एक दो तीन चार ये चार तो हमने रोहन की बना ली और फिर ये तीन किसकी बनाई रानो की एक दो तीन अब हम इनको गिनते हैं कितनी हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात सात ड्राइंग शीट हो गई तो हमने यहाँ पर ये सात ड्राइंग शीट लिख दिया इसी तरीके से अब आगे देखते हैं हम पांच पेंसिलें रोहन के पास है और पांच पेंसिलें रानो के पास है तो हम पेंसिल बनाएंगे पहले एक रोहन के पास दो तीन चार पाँच और फिर पांच किसके पास है रानो के पास तो एक दो तीन चार पाँच टोटल अब हम काउंट करते हैं कितनी हो गई है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस तो टोटल पेंसिलें कितनी हो गई दस अब ये है रोहन के पास है तीन मोम वाले रंग और रानो के पास है छः मोम वाले रंग तो हम रंग बनाएंगे तो ये हमने बना दिए एक दो तीन तीन तो रोहन के पास हो गए और कितने हैं रानो के पास छ तो एक दो तीन चार पाँच और ये छे. अब टोटल काउंट करते हैं कितने हो गए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ तो कितने मोम वाले रंग हो गए नौ तो हमने यहाँ पे लिख दिया अब छः पानी के रंग है रोहन के पास और चार पानी के रंग किसके पास है रानो के पास तो मान लीजिए हम इनको सर्कल से डिनोट करते हैं पानी के रंगों को तो एक दो तीन चार पाँच छ छः किसके पास है रोहन के पास और चार किसके पास है एक दो तीन चार किसके पास हो गए रानो के पास तो टोटल काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस टोटल पानी के कितने रंग हो गए दस तो हम दस को यहाँ लिखेंगे अब पेंटिंग ब्रश की बात करते हैं दो पेंटिंग ब्रश रोहन के पास है और तीन पेंटिंग ब्रश रानो के पास है तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे एक और ये दो रोहन के पास और तीन किसके पास है रानो के तो एक दो और तीन अब तो हम इनको टोटल काउंट करते हैं तो कितनी हो गई एक दो तीन चार और ये पाँच तो हम पाँच यहाँ पर लिख देंगे टोटल पेंटिंग ब्रश कितनी हो गई पाँच अब आते हैं चार स्केच पेन रोहन के पास है और पांच स्केच पेन रानो के पास है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक दो तीन चार चार तो रोहन के पास हो गए और पांच किसके पास हो जाएंगे रानो के पास एक दो तीन चार पाँच अब हम इनको काउंट करते हैं तो कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ टोटल कितने स्केच पेन हो गए नौ तो टोटल जो है रोहन और रानो के पास मिलाकर नौ स्केच पेन हो गए तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है काउंट कर लिया है हमने अब अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि गांधी जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए कि आप गांधी जी के जीवन और उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं उनके बारे में आप बच्चों से बातचीत करेंगे गांधी जी के तीन बंदरों की सीख अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए इसके साथ साथ आप बच्चों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि वो जो गांधी जी के तीन बंदरों ने जो जो सीख दी है कि बुरा ना देखना ना बोलना और ना सुनना आप उनके बारे में उनको फॉलो करने के लिए बच्चों को क्या कर सकते हैं प्रेरित कर सकते हैं और साथ साथ कोरोना से बचने के लिए कोविड नाइन्टीन के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सभी को मास्क पहनना जरूरी है तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में